हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मीडिया। इस चैनल में मैं आपको जितने भी AICTE अप्रूव्ड ऑल इंडिया लेवल पे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में जानकारी देती हूँ बेसिकली। तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो है जो PGDM कोर्सेज़ होते हैं ना, उसमें जो स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन होता है वो प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा उसे ओपन करना। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह का स्क्रीन कुछ देखेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होता है इस पर नीचे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म सा सबमिट करने के लिए आएगा कुछ इस तरीके से, AICTE PGDM स्टूडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म। इसमें आपने भरना है किस एकेडमिक ईयर में आप स्टूडेंट का रहे हैं, और उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है, देन आपका एज पर आपकी जो डिग्री आपका नाम है वो डालना है, और एक होता है स्टूडेंट ID जो आपको आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वाइल द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको एक ID दी जाती है जिसे हम स्टूडेंट ID कहते हैं, और एक होता है, और उसके बाद आ गया आपका नेम, देन स्टूडेंट नेम, एंड देन आपका रोल नंबर जो कि जिस भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, और रोल नंबर, एंड देन आपका ID आपने उसमें डालकर उसको फिल करना है, देन सबमिट करके इस तरीके से इस फॉर्म को आपने पूरा फिल करना है। तो PGDM बेसिकली, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए तभी आपकी डिग्री जो है वैलिड मानी जाती है, और ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है AICTE के थ्रू कि आप अपनी जो वेरिफिकेशन है डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और इस तरह जो भी फॉर्म आता है उस पर डिटेल सबमिट करके और आप फिल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।